हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोटली में। आइए आज हम डिस्कस करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड से कक्षा दसवीं विज्ञान के अध्याय 8 के रिलेटेड टॉपिक मस्तिष्क और उसकी भूमिका या स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। तो आइए देखते हैं मानव मस्तिष्क क्या काम करता है और मानव मस्तिष्क कैसे नियंत्रित होता है। मस्तिष्क और उसकी भूमिका, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शन, तो इसको हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे जमा दिया है, ये यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, तो आप इसको डायग्राम को देखिए एक बार अच्छे से, और मैं पॉइंट वाइज आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, पहला है अधिकांश क्रियाओं में प्रमुख भूमिका। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे शरीर में जो हो रही है क्रियाएँ, उसका नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है। तो यहाँ पे ये है, अधिकांश क्रियाओं में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? मस्तिष्क की होती है। अधिकांश क्रियाएँ जो हम करते हैं, जो चाह के करते हैं या बिना चाहे करते हैं, दोनों प्रकार क्रियाओं का नियंत्रण अधिकांशतः मस्तिष्क द्वारा ही संचालित की जाती है या निभाई जाती है। अलग अलग भाग अलग अलग क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए, अलग अलग भाग अलग अलग क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। मस्तिष्क के कुछ भाग होते हैं, विशेष भाग, जो कि एक विशेष प्रकार के क्रियाओं का ही नियंत्रण करते हैं या संचालन करते हैं। मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग होते हैं, जैसा कि चित्र में दिया गया, देखिए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये पश्चिम मस्तिष्क। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो सामने जो होता है ब्रेन आपका, उसको बोलते हैं फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क। बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। जो पीछे होता है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के क्रियाओं में कई प्रकार की समानताएँ पाई जाती है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपरी व निचले भाग के रूप में इसे अलग करते हैं। ऊपरी व निचले भाग के कार्यों के रूप में इसका विभाजन करते हैं। जैसा कि ऊपरी भाग देख रहे हैं आप, देखने, सुनने, तर्क करने, स्मरण रखने या याद रखने, यहाँ बोल सकते हैं आप याद रखने। तो क्या है, देखने, सुनने, तर्क करने, स्मरण रखने, याद रखने। तो कोई भी चीज़ हम जो आँखों से देखते हैं और जो चीज़ हम कान से सुनते हैं और जो याद रखते हैं, सारा काम किसका होता है? मस्तिष्क के ऊपरी भाग का होता है। ऊपरी भाग मुख्य रूप से आप बोल सकते हैं अग्र मस्तिष्क, और ये मध्य मस्तिष्क काम क्या होता है? याद करने, स्मरण करने, देखने और सुनने में सहायता करता है। इसको आप अपने इच्छा से संचालित कर सकते हैं। आप जब चाहें आँख बंद कर लें, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। आप जब चाहें आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया आपका देखने सुनने। आपका मन है तो आप देखेंगे, आपका मन नहीं है तो आप नहीं देखेंगे। वैसे ही आपका मन सुनने का है, सुने, नहीं है तो नहीं सुनेंगे। तर्क करने का मन करता है, किसी चीज़ को जानने का मन करता है, तो आप प्रयास करते हैं, नहीं प्रयास करेंगे तो नहीं जान पाएंगे, तर्क नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार किसी चीज़ को स्मरण करने या याद करने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी अपनी इच्छा से आप संभव कर सकते हैं। निचला भाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अपने आप हो जाता है, हमको करना नहीं पड़ता, हमको याद नहीं रखना पड़ता, उस चीज़ को अपने आप हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सांस लेना, सांस लेना हम चाहे भी तो रोक नहीं सकते सांस को। भोजन निगलने, उसके बाद है शरीर का तापमान का नियंत्रण। शरीर का तापमान का नियंत्रण हम नहीं कर सकते अपने मर्जी से। आप धूप में जाएंगे, पसीना निकलेगा, फिर कुछ देर बाद बॉडी ठंडा हो जाएगा। आप ठंड के मौसम में रहेंगे तो भी बॉडी आपका रिएक्ट करेगा। तो आप जलवायु के हिसाब से ब्रेन क्या करता है, बॉडी को रिएक्ट करवाता है और बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगला है आपका रक्तदाब, ब्लड प्रेशर भी वैसा ही है। रक्तदाब आपके हाथ में नहीं है, मान लीजिए आप डर जाते हैं तो रक्तदाब आपका क्या होता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है। उसके बाद है लार का आना। लार आना भी एक प्रकार से ब्रेन के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपके हाथ में नहीं है। आपकी खाने की कोई विशेष वस्तु सामने आ जाती है, आपका फेवरेट कुछ मीठा आता है या नमकीन या खट्टा आता है, तो आपके मुंह में स्वतः ही पानी आ जाएगा। ये स्वाभाविक क्रिया है और ये सबके साथ होता है लार आना। एवं वमन, वमन मतलब होता है उल्टी आना। जैसा कि आपने देखा होगा, कई लोग क्या होते हैं, कार या बस में सफ़र करते हैं या ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो उनको क्या होता है, उल्टी होने लगता है या वमन होने लगता है। ये सारी जो क्रियाएँ हैं, वमन की क्रियाएँ हैं, ऑटोमेटिक या स्वतः ही आने लगती है। तो ये निचला पार्ट जो है, मेन पार्ट आपका यहाँ क्या है, मेडुला है। मेडुला से क्या होता है, ये सारी क्रियाएं मैक्सिमम जो है मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाती है। मेडुला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मस्तिष्क का, जो कि हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को करने हेतु जिम्मेदार होता है। तो ये था आपका मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क के बारे में हमने आपको ये सारी जानकारी दी है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप बताइए, कमेंट कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।